3, 2, 1, 0. फाइव जहाज है बम्बर, और ये मॉडिफाई करके बनाया गया था F6 जो चाइनीज था, पाकिस्तान एयरफोर्स यूज कर रही थी F6, उसी को मॉडिफाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूँ कामरान, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज लॉकडाउन था और पिछले दिनों मैं क्योंकि काफ़ी बिजी रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम जो है वो काफ़ी स्मूथ चलना शुरू हो गया था और टाइम नहीं था निकाल पा रहा वीडियो एडिट करने के लिए या वीडियो अपलोड करने के लिए भी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज क्योंकि लॉकडाउन है उस वजह से मेरे पास भी टाइम था, तो कासिम साहब ने जनाब कॉल किया सुबह सुबह कि यार चलते हैं आज मरी, एक काम है वो भी हो जाएगा और साथ थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी। मोस्टली मरी जाना मेरा कासिम साहब के साथ ही होता है, उसकी वजह ये है कि मेरा टूर फ्री में हो जाता है कासिम साहब का काम होता है वो हो जाता है और मेरा जो है आउटिंग हो जाती है, और होता भी जाते भी तभी है ज़ाहिर है डेफिनेटली जब मैं भी फ्री होता हूँ और वो भी फ्री होता है यहाँ के कामों से, उसका तो वहाँ पर भी काम होता है। बहरहाल ये बात लंबी हो गई है, मौसम आज अल्हम्दुलिल्लाह मरी का लगता है ज़बरदस्त होगा क्योंकि यहाँ पे भी बादल आए हुए हैं और मरी वाली साइड पे तो डेफिनेटली बादल होंगे ही होंगे। दुआ के जाएँ तो धुंध वगैरह पड़ी हो, माहौल थोड़ा शशका हो जाए तो क्या ही बात है। सो अभी कासिम साहब वेट कर रहे हैं मेरा, तो निकलते हैं इंशाल्लाह और देखते हैं आगे क्या बनता है। Bird on a tree I'm just sitting। तो जी कासिम भाई के पास पहुंच गए माशाल्लाह। कासिम भाई बस कितनी देर है? 15 मिनट। चलें जी, गाड़ी धुलती है वॉश होती है तो फिर निकलते हैं। आज हमारे साथ दो पर्सनैलिटीज और हैं, एक शहजाद साहब है माशाल्लाह और एक मुबशर साहब है। मुबशर साहब ये क्या हुआ है आपको? दादी पहुँच गए जी बराकपुर, और यहाँ की ट्रैफिक की अभी कंडीशन देख के लग रहा है यहाँ पे थोड़ा टाइम हमारा लगना है क्योंकि रश ज़्यादा है, और दूसरी बात यह है कि मरी का मौसम आज बहुत आउट क्लास है और लोग ज़्यादातर जो है क्योंकि लॉकडाउन है, छुट्टी का दिन है तो उस साइड का रुख किया हुआ है लोगों ने, लेकिन दिन पूरा भी लग गया तो जो मौसम है वो यहाँ से देख के दिल कर रहा है कि पूरा दिन भी अगर हमारा यहाँ पर सर्फ हो गया तो फिर भी शाम को हमने मरी जाना है। क्यों जी कासिम भाई, पहले मौसम आपको चेक करवाता हूँ, और अगर यहाँ का ये मौसम है तो मरी का इंशाल्लाह ज़बरदस्त मौसम होगा। तो ये है जी बराकपुर सिटी बाजार, और ये यहाँ का मौसम है, बिल्कुल काले बादल छाए हुए हैं और जो पहाड़ों की चोटियाँ हैं वो भी बादलों में बिल्कुल छुपी और ढकी हुई नज़र आ रही है। सो अभी चलते हैं इंशाल्लाह और देखते हैं बस यहाँ से टाइमली निकल जाए। यहाँ पर फंसे हुए हमें तकरीबन 1.5 से 2.25 घंटे होने वाले हैं और शदीद ट्रैफिक है, आप अलग करें बस ये यहाँ से जान छूटे, पसीना गर्मी से बुरा हाल हो रहा है, हालांकि बादल छाए हुए हैं, बड़ा ठंडा मौसम है लेकिन पसीना जो है वो निचड़ के जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी रात से तो हम लोग निकल आए हैं और बराकपुर से थोड़ा सा आगे आए हैं और बारिश शुरू हो गई है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी मौसम ज़बरदस्त होगा और खूबसूरत होगा। ये सामने बैरिया हाइट्स हैं, ये भी बहरिया की यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी लगी हुई है। नेचर को ये लोग तबाह करते जा रहे हैं लेकिन उसके साथ लोगों को फैसिलिटेट भी कर रहे हैं।
मुंबई का जो है वो यहाँ से नज़ारा देखा जा सकता है। ये जगह आर्यन साहब को बहुत पसंद है क्योंकि जब भी हम लोग मरी आते हैं तो आर्यन साहब की ख्वाहिश होती है कि यहाँ पे हम कम से कम एक दिन यहाँ पे गुजारें और फिर आगे घर की तरफ जाएं। आने का आज मज़ा आ गया क्योंकि मौसम जो है ना इतनी शदीद बारिश है पीछे और यहाँ पे आप बिल्कुल धुंध छाई हुई है। आगे मेरे ख्याल में 20 मीटर तक भी जो है उससे आगे आधे निकालनी है बिल्कुल धुंध छाई हुई है। तो हम पहुँचे जी अभी लोटो का और ये रही इनकी जो डिस्प्ले शॉप है और हमने चलना है। पहुंच गए हैं जी, गाड़ी की है पार्क और यहाँ पे 10 मिनट रुके हैं मौसम एंजॉय करने के लिए। सो मरी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच रहे हैं। जो काम कासिम भाई ने करना था वो भी हो गया और जो कमेशन वगैरह लेनी थी होटल की और अभी आए हैं उसी होटल की छत पे जिसमें पहले 10 दफ़ा आ चुके हैं और इस वीडियोज़ में भी हैं ऑलरेडी। और लेकिन यहाँ से जो मौसम और व्यू है वो जितनी दफ़ा भी हम लोग आए हैं हमारी सबसे खूबसूरत मौसम जो है वो आज है। क्यों बच्चे साहब माशाल्लाह बहुत आउट क्लास मौसम है और ख़ासकर ये जो नज़ारा है अभी वो जगह बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही थी वहाँ पर ग्रीनरी थी सारी वो भी अब बादलों की वजह से छुप गई है। और ये नीचे जो है कुंडना रोड है इस साइड पे ऊपर कश्मीर पॉइंट है और ये काफ़ी अरसे से काम लगा हुआ है। यहाँ से हाइट देख के डर लग रहा है क्योंकि हाइट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा है। मरी का मौसम आज नो डाउट इंजॉय करने वाला है। लास्ट टाइम जब मैं कासिम साहब और अली साहब आए थे तो एग्जैक्टली उसी जगह पे बैठ के हमने वीडियो भी बनाई थी और थोड़ी देर गपशप भी की थी और बहुत मज़ा आया था। और अभी भी देखते हैं अगर टाइम हुआ तो थोड़ी देर चल के बैठेंगे क्योंकि बड़ी पुरसकून जगह है और वहाँ से व्यू जो उस साइड का व्यू है बहुत मज़े का है। वो सामने जो है वो अयूबिया नथिया गली है मुशकपुरी वगैरह भी यहाँ से नज़र आता है लेकिन अभी क्योंकि बादल हैं और बादलों की वजह से चोटियाँ जो हैं वो ढकी हुई हैं बिल्कुल उस वजह से उतना क्लियर तो नज़र नहीं आ रहा बट ये है कि अंदाज़ा हो रहा है कि यही वो साइड है या इस जगह पे अयूबिया और नथिया गली वगैरह। अभी अगेन फिर से वो जगह क्लियर हो गई है और अब काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है ये वाली जगह। अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले बादल थे और अब जो है बादल छट गए हैं लेकिन अभी थोड़ी देर में ये वाले फिर बादल इधर आ जाने और फिर ये जगह सारी जो है बादलों से ढक जानी माशाल्लाह। वो वाला एरिया भी थोड़ा क्लियर हो रहा है ये जगह जो है अभी नज़र नहीं थी आ रही अभी ये भी सारी क्लियर नज़र आ रही है। ये जो चादरों का लेके चादरों का छत बना हुआ है ये एक लिहाज से डेंजरस भी है क्योंकि अगर आंधी हो हवा तेज़ चले तो ये चादरें उड़ के नीचे किसी हादसे का सबब बन सकती हैं। तो ये होटल इस इंतज़ामिया को चाहिए कि इसका कोई हल निकालें क्योंकि ये काफ़ी सारी चादरें उड़ रही हैं
और ये किसी बंदे को जख्मी कर सकती है। काम हमारा हो गया कंप्लीट, अब निकलना है वापस घर इंशाल्लाह, और आने का कुछ देखते हैं, उससे जाते हैं किसी खाना खाते हैं या मरी मॉल रोड से, और उसके बाद इंशाल्लाह निकलेंगे घर की तरफ। सो अभी हम लोग वापस आ गए मरी एक्सप्रेस वे पे। ये वाला जो A5 फाइटर जेट है ये अभी गया है एयरफोर्स की तरफ से इस चौक पे। पहले वो पीछे सेबर F-36 था और माशाल्लाह काफ़ी बड़ा जहाज़ है ये। तो अभी हम लोग रुके हैं जी मरी एक्सप्रेस वे की जो मेन चौक है जहाँ से मरी की तरफ रोड जाती है, और वो सामने को लगा हुआ फाइटर जेट। यहाँ से व्यू ज़्यादा बेहतर है इस जहाज़ का। इस जहाज़ की हिस्ट्री जहाँ तक मुझे पता है ये A5 जहाज़ है बम्बर, और ये मॉडिफाई करके बनाया गया था F-6 जो चाइनीज था पाकिस्तान एयरफोर्स यूज़ कर रही थी F-6, उसी को मॉडिफाई करके, उसमें रडार नहीं था आई थिंक, इस पर इन्होंने रडार लगाया था और इसकी आगे नोज बनाई गई। और इस साइड पे भी नीचे मौसम बहुत अच्छा होगा लेकिन रोड क्रॉस करने का मूड नहीं है बिल्कुल। सो मरी से हम लोग निकल तो आए हैं लेकिन अभी भी निकलने का दिल नहीं कर रहा है क्योंकि मौसम जो है वो अब और ज़्यादा प्यारा और खूबसूरत हो गया है। बादल इस साइड से छट गए हैं और इधर जो है बिल्कुल अंधेरा छा गया। ये साइड आ गई है रावलपिंडी इस्लामाबाद, इधर से भी काफ़ी प्यारा नज़ारा है, और वो सामने जो है वो ऊपर है मॉल रोड, मरी मॉल रोड। ये वाला एरिया जो है ये एग्जैक्टली मॉल रोड है, इधर से ही अभी हम लोग आए हैं बट काफ़ी लंबा चक्कर इस साइड से घूम के आए हैं। यहाँ से रावल डैम का थोड़ा सा आपको ये वाली जो हल्की सी वाइट सी लाइन नज़र आ रही है ये रावल डैम का पानी है, और इस्लामाबाद भी अभी बादल हैं उस तक क्लियर नज़र नहीं आ रहा बट काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है, और ये नीचे जो लाइन है ये सारी मरी एक्सप्रेस वे है। खाना पेट भर के खा लिया है, चाय वगैरह पी ली है, और अब यहाँ पे थोड़ी तस्वीरें वगैरह बना रहे हैं शहजाद साहब, मुबशर साहब और कासिम साहब। सो अब बस निकलने घर की तरफ, टाइम काफ़ी हो गया लेकिन अभी भी निकलने के लिए बिल्कुल दिल नहीं कर रहा क्योंकि ये जो मौसम है मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले सालों में भी मुझे हमें कोई नसीब होगा, क्योंकि बड़े आते हैं शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, वापस भागने की जल्दी होती है। आज हम थोड़ा लेट हो गए और इसी वजह से ज़्यादा देर यहाँ पे स्टे का सोचा है क्योंकि मौसम बहुत आउट क्लास है। और ये वही जगह है, इसकी भी वीडियो बनी हुई है जो हमने काफ़ी ऊपर से लास्ट टाइम मैं और कासिम साहब बाइक पे जब आए थे तो बनाई थी वीडियो, और वहाँ से मैं कह रहा था कि ये वाली जगह यहाँ पे हमें ख़रीदनी चाहिए एटलीस्ट कार के लिए। गाँव का नाम नहीं मुझे पता लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह, पूरा इर्द गिर्द जो है ना बादलों ने घिराव किया हुआ है मरी का। सो मेरा फ़ोन तो हो गया बंद क्योंकि इसकी बैटरी लो थी, ये वीडियो बना रहा हूँ कासिम भाई के फ़ोन से और इसकी भी बैटरी लो हो रही है, तो इससे पहले के फ़ोन बंद हो इसकी वीडियो करते हैं ख़त्म। तो ये थी आज की वीडियो, आज का व्लॉग, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर कहा कीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।